सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रगति नगर कोटड़ा के परिसर में शुक्रवार को अटल इनोवेशन मिशन का उद्घाटन प्रोजेक्टर डायरेक्टर डॉक्टर उन्नत प्रसाद पंडित और विशिष्ट अतिथि CBSE क्षेत्रीय अधिकारी पूनम रानी और विशेष अतिथि RJS मजिस्ट्रेट परिणय जोशी करेंगे। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य और स्टाफ मौजूद रहेंगे। स्कूल प्राचार्य अजय सिंह राजपूत ने बताया कि अटल सेवा इनोवेशन मिशन के अंतर्गत पूरे भारत में करीब 8,500 विद्यालयों में राजस्थान के अजमेर जिले के विद्यालय सेंट्रल एकेडमी को यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य विज्ञान मैथ्स के क्षेत्र में खुद की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न स्तरों में भाग लेना है। नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन एक कार्यक्रम चालू किया गया, जिसके तहत अटल टिंकरिंग लैब के नाम से समस्त भारत में चुनिंदा स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जानी है। उसी के तहत आज तक 8,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब को लेके सरकार ने बजट दिया है। सेंट्रल एकेडमी भी वो सौभाग्यशाली स्कूल है जिसमें कि इस लैब को एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार ने बजट दिया है तथा सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है। इसी के तहत कल हम हमारे विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अटल टिंकरिंग लैब के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में अटल इनोवेशन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर उन्नत पंडित दिल्ली से स्वयं पधार रहे हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारी CBSE की RO क्षेत्रीय अधिकारी पूनम रानी जी होंगी तथा RJS प्रणय जोशी मौजूद होंगे। सबसे बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है कि अजमेर में पहली बार किसी प्राइवेट स्कूल में इस तरह का लैब का इतने बड़े रूप में एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और जिसको देखने के लिए इस मिशन के डायरेक्टर खुद सुबह यहाँ मौजूद रहेंगे। कल सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस लैब का फायदा हमारे स्कूल के विद्यार्थी के साथ साथ अजमेर के दूसरे स्कूल के विद्यार्थी भी ले सकेंगे, जिसके लिए किसी तरह का शुल्क हमारे विद्यालय द्वारा नहीं लिया जाएगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।